सच में इतने अच्छे अच्छे जानवर, इतने सारे पक्षी, लेकिन ट्रेन में नया बैठा। अरे बच्चों क्या बातें हो रही है भाई, बहुत खुश दिख रहे हो तुम लोग। जी दीदी, दीदी एक्चुअली कल हम लोग जब लखनऊ ज़ू गए थे ना, बहुत मजा आया। करीब ढाई घंटे रुके थे शायद वहाँ पे, और इतने सारे जानवर, इतने सारे पक्षी, दीदी सच में बहुत अच्छा लगा। तो बहुत मजा आया होगा। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि पिंजरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दीदी मैम मुझे याद था, शायद केज। बिल्कुल सही, पिंजरे को C-A-G-E है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक, पिंजरे को इंग्लिश में कहते हैं केज, C-A-G-E, केज, केज मतलब पिंजरा। टाइगर तो तुम लोग जानते ही। जी दीदी। अब वो गुस्सा था, रवि कह रहा है वो गुस्सा था, तो गुस्से को इंग्लिश में कहते हैं एंग्री। क्या कहते हैं? एंग्री, A-N-G-R-Y, एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा या नाराज। और एक शब्द और है, वो है हंग्री, H-U-N-G-R-Y, हंग्री मतलब गुस्सा, नहीं हंग्री मतलब भूखा, एंग्री मतलब गुस्सा, ठीक है? हाँ दीदी, तभी तो उसके कीपर ने उसके पिंजरे में कच्चे मांस के टुकड़े फेंके थे। हाँ दीदी, हाँ दीदी, उसने छलांग मार के उसे अपने जबड़ों में भर लिया। अच्छा अच्छा, तो देखो कीपर जो होता है, कीपर को कहते हैं रखवाला, जो पिंजरे में जानवर की देखभाल करता है उसको कहते हैं कीपर। और कच्चा मांस, कच्चा कहते हैं, कच्चे को इंग्लिश में कहते हैं रॉ, R-A-W, रॉ, रॉ मतलब कच्चा। जी। और मांस को इंग्लिश में कहते हैं मीट। क्या कहते हैं? मीट, M-E-A-T, मीट। और तुमने कहा कि उसने छलांग मारी, किसने छलांग मारी? टाइगर ने। जी। छलांग मारी, छलांग मारने को इंग्लिश में कहते हैं लीप। क्या कहते हैं? लीप, L-E-A-P, लीप मतलब होता है छलांग मारना। और छलांग मारी तो लीप का पास्ट टेंस हुआ लेप्ट। क्या हुआ? लेप्ट। लेकिन इसकी स्पेलिंग होगी L-E-A-P-T, लेप्ट मतलब छलांग मारी। और तुमने कहा कि जबड़े में भर लिया, जबड़ा होता है ये, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं जॉ। क्या कहते हैं? जॉ, जॉ, J-A-W, जॉ मतलब जबड़ा, ठीक है? जी दीदी। इसके बाद तुम लोग कहाँ गए? दीदी इसके बाद हम लोग ने चिड़ियों के पास गए थे दीदी, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चिड़िया देखी, इतनी रंग बिरंगी, कुछ तो एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जा रही थी और कुछ जमीन पर बैठी थी, और वो तो बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी। देखो जमीन को इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड। क्या कहते हैं? ग्राउंड, G-R-O-U-N-D, ग्राउंड। और शोर मचा रही थी, शोर को इंग्लिश में कहते हैं नॉइज, N-O-I-S-E, नॉइज। अब मुझे कोई ये बताएगा कि तुम लोगों ने कौन कौन सी चिड़िया देखी? दीदी हमने पीकॉक, पैरेट, स्टॉक और दीदी बहुत सारी चिड़िया। अच्छा अच्छा, देखो पीकॉक तो तुम लोग जानते हो क्या जी होता है? दीदी क्या होता है? मोर, मोर, बिल्कुल सही, पीकॉक तो मोर होता है। पैरेट तुम जानते हो? जी दीदी। तोता जी। और स्टॉक को कहते हैं बगुला। क्या कहते हैं? बगुला। और तुमने बहुत सारी चिड़िया देखी? जी दीदी। दीदी एक और बहुत बड़ी और बहुत अजीब सी चिड़िया थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। क्या, कौन सी थी दीदी? अरे वो तो शुतुरमुर्ग था दीदी। अच्छा अच्छा, शुतुरमुर्ग। अच्छा हाँ, बड़ा तो भाई होता है वो। शुतुरमुर्ग को कहते हैं ऑस्ट्रिच। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। ये नाम तुमने शायद पहले नहीं सुना, नहीं, है ना? O-S-T-R-I-C-H, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। अच्छा ये देखो, ये है तो पक्षी, लेकिन पक्षी होते हुए भी एक खास बात यह है कि ये उड़ नहीं पाता। अच्छा दीदी, ये केवल भागता रहता है और चलता रहता है, और ये पाया जाता है अफ्रीका के रेगिस्तान में, ठीक है? और एक खास बात और ये है कि इसके अंडे बहुत बड़े बड़े होते हैं। कितने बड़े दीदी? जैसे कि किसी बच्चे का सिर। इतने बड़े? इतने बड़े होते हैं अंडे। अब ये बताओ कि इसके बाद तुम लोग कहाँ गए? मंकीज देखे थे कि नहीं देखे थे? जी 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 जी, दीदी इसके बाद हम लोग जब मंकी के पिंजरे की तरफ जा रहे थे तो मैंने थोड़ी सी मूंगफली खरीद ली। अच्छा, कुछ अपने लिए भी और कुछ बंदरों के लिए भी। मेरे पास थोड़े से पैसे थे दीदी उसी से। अच्छा अच्छा, तो अब तुमने क्या खरीदी? मूंगफली। मूंगफली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीनट। बिल्कुल ठीक, मूंगफली को कहते हैं पीनट, P-E-A-N-U-T हो गया मूंगफली, यानी कि पीनट। और तुमने खरीदी किस चीज से? पैसे से। जी तो पैसे को इंग्लिश में कहते हैं मनी।
हाँ दीदी। क्या कहते हैं? मनी। इसकी स्पेलिंग होती है MONEY, मनी। मनी मतलब पैसे। और फिर क्या किया दीदी? बंदर सच में बहुत मजेदार थे, उनको तो मैं भूल ही नहीं पाऊंगी कभी। कुछ तो पिंजरे में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे और कुछ तो पिंजरे की छत से लटक रहे थे। अच्छा, तो तुमको बंदर बहुत मजेदार लगे। जी दीदी। अब मजेदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मजेदार को कहते हैं फनी। क्या कहते हैं? फनी। FUNNY, फनी मतलब मजेदार। अब इसने देखो, अभी गीता ने बताया कि वो कुछ जो थे वो लटक रहे थे पिंजरे से, तो लटकने को कहते हैं हैंग। HANG, हैंग मतलब होता है लटकना। और कुछ चढ़ रहे थे हाँ, तो चढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइम। CLIMB, क्लाइम मतलब चढ़ना। ठीक है दीदी। एक बंदरिया अपने बच्चे को खाना खिला रही थी और एक शैतान बंदर दूसरे की पूंछ खा रही थी। और दीदी जब मैंने एक बंदर के पिंजरे के कोने में देखा तो मैंने क्या देखा? एक बंदरिया अपने बच्चे के सर से जूए निकाल रही थी। अच्छा, तो अब ये बताओ कि सिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये तो पता होगा। जी दीदी। क्या? हेड। बिल्कुल सही। और टेल कहते हैं? पूंछ। ये भी सही। अब ये बताओ कि जुए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुए को इंग्लिश में कहते हैं लाइस। क्या कहते हैं? लाइस। LICE, लाइस। लाइस मतलब जुए। और फिर क्या हुआ? एक बंदर ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया क्योंकि उसे मूंगफली चाहिए। अच्छा। थी। फिर तुमने दी मूंगफली उसको? हाँ दीदी, तो यार ये मुट्ठी भर मूंगफली उसके पिंजरे। अच्छा अच्छा, उनको उठाकर खा गए। वेरी गुड। तो अब ये देखो, कुछ नए शब्द मैं तुमको और बताती हूँ। भैया ने मुट्ठी भर मूंगफली दी, है ना? मुट्ठी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंडफुल। क्या कहते हैं? हैंडफुल। HANDFUL, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। और बंदर उसे झट से उठाकर खा गए। उठाने को इंग्लिश में कहते हैं पिक। क्या कहते हैं? पिक। PICK, पिक। पिक मतलब उठाना। दीदी हमने गैंडा भी देखा। हाँ दीदी, दीदी बड़ा ही अजीब जानवर है और दीदी उससे भी ज्यादा कुरूप है वो। अच्छा। दीदी मोटी चमड़ी और एक बात बताओ, उसके नाक पर एक सींग है। अब ये देखो, तुमने देखा क्या? गैंडा। गैंडे को इंग्लिश में कहते हैं राइनोसरस। क्या कहते हैं? राइनोसरस। इसकी स्पेलिंग होती है, थोड़ी सी लंबी स्पेलिंग है लेकिन नया शब्द तो है तुम्हारे लिए। जी जी। RHINOCEROS, राइनोसरस मतलब गैंडा। और देखो गीता ने कहा कि बड़ा अजीब जानवर था। अजीब को, अजीब मतलब हुआ कि विचित्र, आश्चर्यजनक, है ना? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंज। क्या कहेंगे? स्ट्रेंज। STRANGE, स्ट्रेंज मतलब अजीब। और इसने ये भी कहा कि बड़ा कुरूप था, तो कुरूप का मतलब होता है कि जो देखने में अच्छा ना हो, जैसे कि बदसूरत। जी जी, है ना? इसको इंग्लिश में कहते हैं अगली। क्या कहते हैं? अगली। हाँ, इसकी स्पेलिंग होती है UGLY, अगली। अगली मतलब कुरूप या बदसूरत। दीदी इसके बाद हम लोग ने भालू देखा, मगर वो तो आराम से अपने पिंजरे में सो रहा है। भालू तो तुम जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी दीदी, बेर। हाँ बिल्कुल सही, BEAR, स्पेलिंग तो होती है BEAR लेकिन इसको कहते हैं बेर। दीदी मुझे तो सबसे मजेदार बंदर लगे, लेकिन टाइगर्स वो तो सबसे सुंदर थे। बच्चों तुम लोगों ने जू देखा, तुमको बहुत मजा आया। एक बात तुम लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए कि हम लोगों को हमेशा जानवरों का ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी जानवर को हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। जी जी। दीदी कल वहाँ पर बच्चों की ट्रेन भी थी पर हम उस पर चढ़ ही नहीं सके। क्यों? इतनी भीड़ थी ना, उसके कारण हमें मना कर दिया गया। अरे छुट्टी थी इसी वजह से भीड़ हो गई और तुम चढ़ नहीं पाओगे। लेकिन अगली बार जब तुम लोग जू जाना तो तुम लोग ट्रेन में जरूर बैठना, बहुत मजा आता है। और जो ट्रेन है वो पूरा जू का चक्कर लगाती है। अच्छा, तुमको सारे जानवर ऐसे ही दिख जाएंगे। जी जी, अगली बार जरूर ट्रेन में बैठना। जी दीदी, जरूर।